क्या दिशा पाटनी का बागी 3 में नेगेटिव रोल होगा? बागी 3 के एक्शन सीन्स कौन सी इंग्लिश फिल्म से कॉपी किए गए हैं और किस गाने के रीमेक का फैंस को है बेसब्री से इंतजार? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की बागी 3 इस साल की धमाकेदार एक्शन फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस बार फिल्म में पिछली दोनों फिल्मों के मुकाबले ज़्यादा दमदार और हैरत अंगेज एक्शन देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि इन एक्शन सीक्वेंस को हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म द मैट्रिक्स से कॉपी किया गया है। द मैट्रिक्स फिल्म की अगर बात करें तो ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। इस फिल्म की खास बात है कि इसकी कहानी फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में इंसानों के द्वारा कुछ पावरफुल मशीनें बनाई जाती हैं जो इंसानों की तरह ही सोच समझ और घूम फिर सकती हैं, लेकिन बाद में यही मशीनें इंसानों का विनाश करती हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद लोगों के मन में हजारों सवाल उठे, जैसे कि इस फिल्म में ओरेकल नाम की एक ओल्ड लेडी होती है जो फ्यूचर देख सकती है, लेकिन कैसे और लोगों की मदद क्यों करती थी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो इसी तरह फिल्म में नियो एक अवतार था जिसने जन्म लिया था इंसानों को मशीनों से बचाने के लिए, और उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं, लेकिन अगर वो इतना पावरफुल था तो मशीनों को ख़त्म क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है, तो हम अपनी दूसरी वीडियो में आपको इसे विस्तार से बताएंगे। हम बात कर रहे थे बागी 3 के बारे में। दोस्तों, एक्शन के अलावा भी एक और चीज़ है जिसका फैंस को फिल्म से भी ज़्यादा इंतज़ार है, और वो है फिल्म का गाना जिसे रिक्रिएट किया जा रहा है। 2005 में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन और जैद खान की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था 10, जिसमें जामबाल नाम का एक आतंकवादी होता है जो कनाडा में कहर बरपाने की योजना बनाता है, और जब भारतीय प्रधानमंत्री देश का दौरा करते हैं तो भारत से विशेष एजेंट्स को उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद अल्ताफ नामक एक आदमी से पूछताछ के बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि आतंकवादी कनाडा में एक बड़ी हड़ताल की योजना बना रहे हैं जो मई महीने के दौरान 25,000 लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। उनके पास सिर्फ 7 दिन का वक्त होता है, यानी 7 दिन के अंदर उन्हें इस मिशन को अंजाम देना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये घटना 10 मई को होनी थी और इसीलिए फिल्म का नाम 10 रखा गया। इसी फिल्म का एक गाना था जो काफ़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, 10 बहाने करके ले गई दिल। इसी सुपरहिट गाने को बागी 3 में रिक्रिएट किया जा रहा है, और इसी गाने में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का डांस सीक्वेंस भी हमें देखने को मिलेगा। गौर करने वाली बात है कि जब से दिशा का नाम फिल्म से जुड़ा है, तरह तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि वो फिल्म में बार डांसर बनती नजर आएंगी, कभी सुनने को मिला कि सिर्फ उनका डांस सीक्वेंस होगा, इनफैक्ट ये भी सुनने को मिला कि फिल्म में वो पहली बार निगेटिव किरदार में नजर आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल इस फिल्म में जहाँ टाइगर श्रॉफ और रितेश देशमुख दो भाइयों के किरदार में नजर आएंगे, बड़े भाई के रोल में होंगे रितेश, और छोटा भाई जो बहादुर, चतुर और दुष्ट है, इस रोल को निभाएंगे टाइगर श्रॉफ। पिता की मृत्यु के बाद छोटे भाई के कहने पर बड़ा भाई पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है, लेकिन जब भी बड़े भाई को किसी ने पीटा, वो उनसे निपटने के लिए छोटे भाई यानी टाइगर श्रॉफ को भेजता है। तो ठीक इसी तरह ही इस फिल्म में दिशा और श्रद्धा भी दो बहनों के किरदार में नजर आएंगी, जिनका किरदार फिल्म में काफ़ी चुलबुला देखने को मिलेगा। दोनों बहनें काफ़ी फ्री थिंकिंग और मौज मस्ती में जीना पसंद करती है, और साथ ही साथ फिल्म में दोनों भाइयों का लव इंटरेस्ट भी होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा आपसे सवाल है, आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, और जैसा कि ये फिल्म वेट्टई जो एक तमिल फिल्म है उसका रीमेक होने वाली है, तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म की स्टोरी के लिए, और आपको क्या लगता है इस फिल्म में विलन का किरदार कौन निभाएगा? क्योंकि रितेश देशमुख और टाइगर श्रॉफ दोनों ही फिल्म में भाई का किरदार निभा रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल बन जाता है कि इस फिल्म का विलन आखिर कौन होगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।